राइटिंग का होमवर्क है, ठीक है? अब बच्चों मेरी बात को ध्यान से सुनना। आपको एक पार्टनर चुनना है और फिर उस पार्टनर से मिलकर कुछ अच्छा लिखना है, समझ गए मेरी बात? अरे नहीं सर। हे सुनियो, अगर हम दोनों पार्टनर बन जाए तो कैसा रहेगा? काश मैं ऐसा कर पाता, मेरे पास पहले से ही पार्टनर है। ये रहा मेरा पार्टनर। हाँ इसने सही कहा। अरे अच्छा, मेरी पार्टनर बनोगी? हमें तो हर पार्टनर बना। तुम मेरी होमवर्क की पार्टनर बनोगी शिजुका? नो बेटा। तुम यहाँ? अब से हम दोनों पार्टनर हैं। ठीक है, तो मैं देखी सुखी को पार्टनर बना लेती हूँ। शिजुका रुको। देखो मेरे प्यारे दोस्त, मेरी तारीफ लिखने में थोड़ा सा भी शर्माना मत, लिखते रहना। जियान के बारे में अच्छी चीजें, अच्छी चीजें। जियान का फायदा ये है कि वो बहुत शक्तिशाली है, इसलिए। लेकिन ये तो अच्छी बात नहीं। अरे हाँ समझ गया, उसकी आवाज बहुत तेज है। नहीं बिल्कुल नहीं। हाँ वो खेल कूद में बहुत अच्छा है। अरे नहीं ये भी नहीं। समझ गया, जियान हर चीज खा लेता है। लेकिन ये भी अच्छी बात नहीं है। अब मैं क्या करूँ? ये काम तो सच में बहुत ज्यादा मुश्किल है, मैं भी नहीं सोच पा रहा हूँ। लेकिन मुझे एक तो अच्छी बात ढूंढनी होगी ना, मुझे लिखना है, वरना वो मेरी हालत खराब कर देगा। क्या मदद चाहते हो? तो मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे? मुझे कुछ भी लिखते हैं। लेकिन मैं झूठ नहीं लिखना चाहता। अच्छा अच्छा ठीक है, रुको। फॉलो पेन। क्या फॉलो पेन? अगर तुम इस पेन से किसी के बारे में कुछ लिखोगे तो वो इंसान वैसा ही करेगा। मतलब तुम जो भी लिखोगे वो झूठ नहीं होगा। क्या सच में? तुम लिख कर देख लो ना। अच्छा ऐसी बात है। नोबिता क्या तुम घर वापस आ गए? तुम्हारा टेस्ट हुआ था ना, चलो मुझे अपनी आंसर शीट दिखाओ। अरे नहीं ये वाला। हाँ ये रहा। नोबिता मॉम जीरो देखकर मुझे डांटेंगी नहीं, मुझे कुछ भी नहीं कहेंगी। कोई बात नहीं नोबिता। हाँ? परेशान क्यों होते हो, जीरो ही तो आया है। हाँ? इस बार नहीं तो अगली बार अच्छे नंबर जरूर आ जाएंगे। ठीक है। जब तक तुम्हारे पास ये गैजेट है तब किसी मुसीबत में नहीं पड़ोगे। कमाल का गैजेट है। नोबिता जी आन आ गया। तो तुमने अब तक मेरी अच्छाइयों के बारे में क्या क्या लिखा, बताओ ना मुझे। वो दरअसल जियान अभी नहीं लिखा। मेरे ख्याल से जियान के अंदर बहुत सारी खूबियां हैं, मैं होता तो बहुत आराम से लिख लेता। क्या सच में इतनी सारी खूबियां हैं मेरे अंदर कि तुम आसानी से लिख लेते? तो तुम ऐसा लिख क्यों नहीं रहे हो, बताओ मुझे जरा। ये बात तो तुम्हें नोबिता से कहनी चाहिए ना जियान, मैंने सही कहा ना? बात तो सही कही है। हे नोबिता, अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें एक और खूबी दिखा सकता हूँ अभी। अब देखो मैं तुम्हें इतनी देर तक गोलकीपर बनाकर रखूंगा कि तुम खड़े खड़े थक जाओगे। और हाँ अब तुम्हें चोट भी लगने वाली है। अच्छा हुआ मेरे बिना कुछ किए ही याद आ गया। चलो अब जल्दी से मेरी खूबियाँ लिखो। जियान खुद गोलकीपर बनकर मुझे बॉल के साथ खेलने देता है, ये बहुत ही अच्छा दोस्त है। तुम भला ऐसा कैसे कह सकते हो नोबिता। हे नोबिता चलो बॉल को किक मारो, मैं बॉल को रोक कर दिखाऊंगा, वैसे भी मैं हमेशा गोलकीपर ही तो बनता हूँ, जल्दी करो। अरे ये क्या हो रहा है? सच कह रही हो ना? हाँ हाँ तुम अपनी पूरी ताकत लगा कर किक मारना, ठीक है? ठीक है तो फिर ये लो। मुझे माफ कर दो। अरे कोई बात नहीं, ये तो होता रहता है। चलो तुम अब अगली किक मारो, ठीक है नोबिता? जियान को गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है? अभी देखता हूँ। हट जाओ, अब मैं किक मारूंगा। क्यों जियान, बताओ मेरी किक कैसी रही? ए सुनियो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? रुक जाओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये तो मजेदार है। अरे वाह, लगता है उस लड़के ने कोई नई कॉमिक खरीदी है। ठीक है
जियान दूसरों से किताबें छीनने की बजाय अपनी किताबें दूसरों को देता है, अच्छे दोस्त की तरह। जियान देखो, जो तुम्हारा है वो तुम्हारा ही है और जो मेरा है वो भी तुम्हारा है। क्या? देखो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, वहाँ इससे भी अच्छी कॉमिक्स मिल जाएंगी। मैं तुम्हें वो सारी कॉमिक्स दूंगा, तुम आराम से पढ़ना और फिर वापस करना, ठीक है? ठीक है। मैं ये किताबें ले जा रहा हूँ। हाँ बिल्कुल ले जाओ। समझ नहीं आ रहा मैंने इसको अपनी सारी कॉमिक्स क्यों दे दी, आखिर मुझे हो क्या गया है, कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ? क्या तुम मुझे थोड़े से चिल्ला रहे हो? तुम्हारे पास भी टेस्टी चीज है। हाँ, जियान एक बहुत अच्छा दोस्त है जो दूसरों को खाने पीने की चीजें देता है, ये सही रहेगा। क्या आप ये खाना चाहेंगे? ये बहुत टेस्टी है। जियान एक मुझे भी दे दो ना। बिल्कुल नोबिता, खाओ ना। अरे मैं ये सबको क्यों दे रहा हूँ, क्या हो गया है मुझे? अरे शिजुका बहुत मजा आया। ठीक है अब जियान करेगा। अरे जियान क्या हुआ, तुम यहाँ अकेले इस तरह क्यों खड़े हो? ये देखो ये बहुत मजेदार है। जियान हमेशा अपने पीठ वाले डांस से दूसरों को हंसाता है। मैं चाहता था कि ये काम सही डोरेमोन के गैजेट की मदद से कर सकता है। जियान एक बहुत अच्छा दोस्त है जो कभी लड़ाई नहीं करता है, सबसे प्यार से बात करता है। वैसे सही कहा तुमने, लड़ाई से कभी किसी का फायदा नहीं होता है। चलो बाय, फिर मिलेंगे। बाल बाल बच गया, अब मुझे जियान से डरने की कोई जरूरत नहीं है। ए लड़के, क्या तुम मुझे थोड़े पैसे उधार दोगे? मैं तुम्हें जल्दी लौटा दूंगा। मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है। देखो हमसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, जल्दी से पैसे निकालो। जियान तुम कौन हो बताओ? मैं इसका दोस्त हूँ, समझे तुम? जियान लगता है तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। लगता है इसके लिए इतना काफी है। सही कहा, तुम और कर भी क्या सकते हो। अभी बताते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। नहीं आ रहा, जियान इससे लड़ क्यों नहीं रहा है? जियान एक अच्छा दोस्त है जो कभी नहीं लड़ाई करता, सबसे प्यार से बात करता है। शायद बिना लड़े कभी तुम जीत नहीं सकते हो। लेकिन जियान तुम लड़ क्यों नहीं पाए थे? पता नहीं, तुमने ही कहा था ना, लड़ने से किसी का भला नहीं होता। माफ करना जियान। नो बेटा। अरे रुको, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?